फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और इनको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को संगम नगरी इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री मोतीलाल नेहरू और माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। इन्होंने विदेश जाकर अपनी शिक्षा ली और एक सच्चे भारतीय होने के नाते अपनी शिक्षा का उपयोग देश हित के लिए भारत में आकर किया। ये कुलीन वर्ग से थे, पर दक्ष कदम को अपनाते हुए इन्होंने सादा जीवन अपनाया और खादी के वस्त्र धारण किए। ये इनका देश के प्रति प्रेम ही था जो इन्होंने बिना डरे कई आंदोलनों का सफल नेतृत्व किया। इन्हें बच्चों से बहुत लगाव था और बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहा करते थे, इसलिए इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक अच्छे लेखक भी थे। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज और हिंदुस्तान की कहानी आदि। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक अच्छी शख्सियत के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति भी थे। इसीलिए इनके भारतीय इतिहास में अतुल्य योगदान के लिए इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है और इन्हें आज भी याद किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।